स्लीपर्स वेक। कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक मिडिल एज आदमी को देखते हैं, जिसका हाल ही में कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके बच्चे और वाइफ की मौत हो गई थी। कुछ दिन बाद जब जॉन रिकवर हो जाता है तो वो एक शांत जगह पर जाने का डिसाइड करता है ताकि उसे सुकून मिल सके। फिर वो अपने ब्रदर इन लॉ के घर पर जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उससे पूछता है कि वो कौन है। इस पर जॉन बताता है कि ये उसके रिलेटिव का घर है, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आया है। ऑफिसर उससे कहता है कि घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखना क्योंकि यहाँ पर काफी मंकीज हैं। इसके बाद जॉन घर के अंदर जाता है और वाइन पीने लगता है। फिर वो समुद्र के किनारे जाकर नहाता है। जब वो वहाँ से वापस घर लौट रहा होता है तो वो वहाँ तीन लोगों को नहाते हुए देखता है, जिसमें से एक लड़की उसे देखकर शर्मा जाती है और पानी के अंदर चली जाती है। यहाँ जॉन को देखकर लगता है कि वो उस लड़की को पसंद करने लगा है। फिर जॉन अपने घर जाकर काफी वाइन और सिगरेट पीता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी। असल में उसके गाड़ी में सो जाने की वजह से उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो उसे एक लड़की के रोने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो कि समुद्र में नहाते हुए उसे दिखी थी। वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर जॉन उससे कहता है कि वो कोई गलत इंसान नहीं है। जॉन उसके आंखों में निशान देखकर समझ जाता है कि उस लड़की को किसी ने पीटा है, पर वो लड़की उल्टा उसे ही फंसाकर धमकी देती है कि अगर उसने उसे पैसे लाकर नहीं दिए तो वो सबको चिल्लाकर कहेगी कि उसने उसे मारने की कोशिश की है। ये सुन जॉन डर कर पास के स्टोर में जाता है और कुछ सामान लेकर खुले पैसे लेता है। तभी वहाँ पर वही ऑफिसर आता है जो उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। इसके बाद जॉन जब वापस आता है तो वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। फिर वो अपने घर जाता है जहाँ गेट पर उस लड़की ने अपनी कैप टांग रखी थी। रात को जॉन फिर से ड्रिंक करने लगता है, तभी उसे अपने घर से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि वो मंकी है, इसीलिए वो एक पैन लेकर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। अगली सुबह जब वो बीच पर होता है तो वो उस लड़की को देखता है जो कि अपने पिता और भाई के साथ घर जा रही थी। ये देखकर जॉन उस लड़की को कहता है कि वो अपनी कैप उसके घर पर भूल गई थी, तो वो आकर उसे ले जाए। उस लड़की का पिता उससे पूछता है कि ये कौन है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। रात को उस लड़की का पिता जॉन के घर आता है और अपनी बेटी के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। फिर वो जॉन को बताता है कि उसका नाम रॉल्फ है और उसकी बेटी का नाम जैकी और बेटे का नाम साइमन है। जॉन उसे पानी देकर पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो इस पर वो बताता है कि कुछ दिनों पहले जब वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ घर पर एंजॉय कर रहा था तब अचानक कुछ चोर उसके घर में घुस आए और उसकी फैमिली को बंदी बनाकर वहाँ पर चोरी करने लग गए। जब उन्होंने उसकी बेटी को भी टच किया तो उसकी वाइफ ने उन चोरों को रोकने की कोशिश की, जिससे उन चोरों ने उसे मार डाला। फिर रॉल्फ जॉन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर जॉन उससे इस बारे में नहीं बताता। अगले दिन जॉन जब स्टोर से वाइन लेकर आता है तो वो जैकी को उसकी गाड़ी में देखता है जो सिर्फ उसे ही देख रही होती है। जब वो अपने घर जाता है तो वो वहाँ एक औरत को देखता है जो उससे पीने के लिए पानी मांगती है। इस पर जॉन उसे अपने घर में इनवाइट करता है। वो औरत उससे कहती है कि अगर उसके घर में कोई काम है तो वो उसे काम पर रख सकता है। तभी वो औरत जबरन उसके बर्तन धुलने लगती है, जिससे जॉन उसे रोकता है और तभी ग्लास टूटकर उस औरत के हाथ में लग जाता है, जिस पर जॉन उससे माफी मांगता है और उसे रॉल्फ के पास ले जाता है जहां रॉल्फ उसकी मरहम पट्टी कर देता है। तब रॉल्फ जॉन को भी अपने यहां लंच करने को कहता है, जिसके बाद वो सभी टेबल पर बैठकर लंच करते हैं। तभी रॉल्फ साइमन को डांटने लगता है क्योंकि उसने पूरा खाना नहीं खाया था। ये सब देखकर जैकी को बुरा लगता है, इसलिए वो जॉन को अपने साथ बाहर चलने का कहती है। फिर जब जॉन बाहर आता है तो जैकी उससे सिगरेट मांगती है और वहाँ स्मोक करने लगती है। यहाँ जैकी बताती है कि जिस दिन चोरों ने उनकी फैमिली पर अटैक किया था उस दिन जैकी ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए उसके पिता उन दोनों पर काफी स्ट्रिक्ट रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर उस दिन जैकी ने छोटे कपड़े ना पहने होते तो वो चोर उसके साथ वो नहीं करते और उसकी वाइफ की भी जान नहीं जाती। तब जैकी जॉन से उसके फैमिली के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि एक ट्रिप के दौरान उसकी आँख लग गई थी, जिससे उसके बच्चे और वाइफ दोनों मारे गए। ये
सुनकर जैकी को बुरा लगता है, जिसके बाद वो दोनों जॉन के घर जाते हैं उसकी कैप लेने के लिए। फिर जॉन उसे वहाँ रेस्ट करने का कहकर उसके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो जैकी को बिना कपड़ों के देखता है, जिसे देखकर जॉन उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। पर जैकी कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसीलिए वो उसे अपने पास बुलाती है। पर जॉन उसे दोबारा कपड़े पहना देता है और उसे घर जाने का कहता है, जिससे जैकी को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जॉन जब बीच पर जाता है तो वो रॉल्फ को मछली पकड़ते हुए देखता है। फिर वापस आने पर उसे वही औरत मिलती है जो उससे काम के लिए पूछती है। तभी वहाँ पर जैकी भी आ जाती है, जिस पर जॉन उन दोनों को अपने घर कॉफी के लिए इनवाइट करता है। फिर घर आने पर जैकी जॉन से सिगरेट मांगती है। इस पर जॉन कहता है कि स्मोकिंग तुम्हारे लिए अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें सिगरेट नहीं दे सकता। उनकी बात सुनकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जॉन जैकी को स्मोक करने के लिए देता है। तब जैकी उससे कहती है कि कल जो भी हुआ उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। फिर वो उसे अपने साथ चलने का कहती है, जहाँ वो एक साथ पहाड़ी की चढ़ाई करेंगे। ये सुन जॉन उसकी बात मान जाता है और उसके साथ जाने लगता है। तभी रास्ते में उन्हें वही ऑफिसर मिलता है जो उनसे पूछता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। जैकी उसे बताती है कि जॉन उसके डैड का फ्रेंड है और वो दोनों वॉक पर जा रहे हैं। ये सुनकर ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगती है। असल में वो ऑफिसर जैकी को पसंद करता था और जल्द ही उसे शादी के लिए पूछने वाला था। इसके बाद वो दोनों पहाड़ की चढ़ाई करते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तब जैकी वहाँ रोने लगती है। जब जॉन उससे इसकी वजह पूछता है तो जैकी कहती है कि उसके पिता उसे अक्सर पीटा करते हैं और उसे छोटे कपड़े पहनने से मना करते हैं। ये सुन जॉन उसे शांत कराता है। इसके बाद वो दोनों जंगल में जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उन्हें रॉल्फ के रोने की आवाज आती है। तब वो देखते हैं कि रॉल्फ अपने बेटे के साथ उनके सामने ही बोट पर बैठा है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन अपने घर जाकर जल्दी से अपना सामान पैक करने लगता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन तभी रॉल्फ उसके घर में आ जाता है। जॉन उसे देखकर डर जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। इस पर रॉल्फ कहता है कि वो आज रात को उसे डिनर के लिए इनवाइट करने आया है, जिससे जॉन फिर से रुक जाता है। फिर रात को जॉन उनके घर डिनर के लिए जाता है, जहाँ वो सभी को बताता है कि वो जल्द ही यहाँ से निकलने वाला है। जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो जैकी अपने पैरों से जॉन को टच करती है, क्योंकि वो जॉन के वहाँ जाने से नाराज होती है। अगली सुबह जब जॉन घर में होता है तभी जैकी उसके पास आती है और कहती है कि उनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जब जैकी वहाँ से निकलती है तो तभी वो औरत वहाँ जाती है, जो उसे बिना कपड़ों के देख समझ जाती है कि वहाँ पर क्या हो रहा था। जॉन ये देखकर काफी डर जाता है और तुरंत अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉल्फ आ जाता है जो कि काफी घबराया हुआ था, जिसे देखकर जॉन डर जाता है। तब रॉल्फ उसे बताता है कि उसका बेटा साइमन गायब हो गया है, इसीलिए उन्हें उसे ढूंढना चाहिए। ये सुन जॉन भी उसे ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पूरा दिन ढूंढने पर भी उन्हें साइमन कहीं नहीं मिलता। अगले दिन जॉन जब स्टोर से वापस घर जा रहा होता है तभी वो ऑफिसर उसे देखकर गाड़ी रोकता है और उससे कुछ सवाल करने के लिए गाड़ी में बैठने को कहता है। तब ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारे और जैकी के बीच क्या चल रहा है। इस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। इसके बाद जॉन रॉल्फ के पास जाता है और उसे दिलासा देता है कि उसे उसका बेटा जल्द ही मिल जाएगा। साथ ही उसे बताता है कि वो एक दिन बाद यहाँ से जाने वाला है। इसके बाद वो तौलिया लेकर नदी में नहाने चला जाता है, जिस दौरान वो जैकी को आता हुआ देखता है, जो अपने कपड़े उतार कर उसी नदी में कूद जाती है। फिर वो दोनों पहाड़ी पर आकर बैठते हैं। जैकी उससे कहती है कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। इस पर जॉन कहता है कि अगर हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता चला तो वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैकी उससे कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी है, पर जॉन उसे मना कर देता है। तभी वो ऑफिसर वहाँ पर रॉल्फ को लेकर आ जाता है और उसे उन दोनों को दिखाता है। जैकी अपने पिता को देखकर काफी डर जाती है। तभी उसका पिता उसे डांटकर कपड़े पहनकर घर जाने को कहता है। ये सब देखकर जॉन बहुत डर जाता है और रॉल्फ से कहता है कि वो उसे कपड़े पहनने दे, जिसके बाद वो बात करेंगे। पर रॉल्फ उससे पूछता है कि वो उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा था, जिस पर जॉन कहता है कि वो उसे बस स्विमिंग सिखा रहा था। पर रॉल्फ
साफ कहता है कि वो अंधा नहीं है, जिसके बाद वो ऑफिसर को उसकी बेटी को संभालने के लिए भेजता है और फिर एक लकड़ी उठाकर जॉन पर हमला कर देता है, जिससे जॉन वहां से भागने लगता है। जॉन भागते हुए अपने केबिन में आता है, जहां एक मंकी उसके घर में बैठा हुआ था। तभी वहां पर रॉल्फ आ जाता है। तब जॉन रॉल्फ पर भी अटैक करता है, जिससे उसका ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख जॉन घबरा जाता है। तभी वहां पर जैकी और ऑफिसर भी आ जाते हैं, जो रॉल्फ की हालत देखकर घबरा जाते हैं। ऑफिसर रॉल्फ को गाड़ी में ले जाता है, जिसमें जॉन भी उसकी मदद करता है। तब ऑफिसर उस पर गन तानकर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर ऑफिसर जैकी को उसके साथ गाड़ी में बैठने का कहता है, ताकि वो उसके पिता के साथ हॉस्पिटल जा सके। फिर जैकी अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और जॉन उसे जाता देख रोने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।